Hey guys, welcome back to my channel. I am Daisy. आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 11 की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सिलेबस से, जहाँ पे मार्क्स डेरिविएशन एंड क्वेश्चन पैटर्न भी हम बोलेंगे. यहाँ पे मेनली आप लोगों का प्रैक्टिकल 30 मार्क्स की होगी एग्ज़ाम. इसका जो सिलेबस है वो हम आप लोगों को बताएंगे. पहले वाला चैप्टर जो है यूनिट 1 में, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैप. यहाँ पे क्या क्या करना है, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, टाइप्स, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस. मार्क्स कितना है, 2 मार्क्स का है. यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेशन से लेकर इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स कितना है, कॉम्पोनेंट क्या है वो पढ़ना है. अब आते हैं सेकेंड चैप्टर यूनिट 2. मार्क्स कितना है, यहाँ पे 4 मार्क्स की है, मैप स्केल. तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ मैप स्केल, ग्राफिकल स्केल, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर, कंपैरेटिव, डायगोनल एंड वर्नियर स्केल करना है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर स्केल. सिर्फ यहाँ पे आपको लीनियर स्केल ही ड्रॉ करना है, बाकी जो भी है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही होगी. थर्ड चैप्टर यानी कि यूनिट 3, मार्क्स कितना है, 5, मैप प्रोजेक्शन. तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ मैप प्रोजेक्शन, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकली कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग प्रोजेक्शन. सो फॉलोइंग प्रोजेक्शन में क्या क्या करना है, पोलर जेनिथल स्टीरियोग्राफी, सेकेंड है सिंपल कॉनिकल विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, एंड थर्ड है मार्केटर प्रोजेक्शन जो पिक्चर में ऑलरेडी इंक्लूडेड कर दिया. यूनिट 4, यहाँ पे मार्क्स कितना है, 6 है, 6 है. तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स, ये चैप्टर का नाम. तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ ओपन सीरीज टोपोग्राफिकल मैप 1:50,000 स्केल की होगी, एंड प्रेफरेबली ऑफ अ प्लेटोज रीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स यूजिंग क्रॉस सेक्शन ड्राइंग. दिस इज क्रॉस सेक्शन ड्राइंग. आइडेंटिफाई अ ब्रेक ऑफ स्लोप फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ड्राइंग. यहाँ पे कैसे ब्रेक ऑफ स्लोप है वो दिखाना है, इस टाइप से होगा. एंड प्रिपरेशन ऑफ ब्रॉड फिजियोग्राफिक डिविजन मैप बनवाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार की होगी. एंड देन क्या पढ़ना है, टिपिकल फीचर्स आइडेंटिफिकेशन. इसमें क्या क्या है, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सेटलमेंट. ये जो है इंडिविजुअल इसका पैटर्न पढ़ना है. सो ड्रेनेज का पैटर्न लाइक डेंड्रेटिक, रेडियल और पेरिनियल, नॉन पेरिनियल, मीएंडरिंग एटसेट्रा. नेचुरल वेजिटेशन में रिजर्व फॉरेस्ट, कम्युनिकेशन एंड सेटलमेंट, एंड सेटलमेंट पे पैटर्न, नियर कॉम्पैक्ट, इस टाइप का पैटर्न भी देखना है, आइडेंटिफाई करना है. लास्ट में क्या करना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स यूजिंग ट्रांजिट चार्ट, जो स्कीमेटिक मेथड जो है, स्कीमेटिक वो करना है. तो यहाँ पे मेनली जो पीछे जो पिक्चर देख रही है बैकग्राउंड में, उस टाइप से आपको बनवाना पड़ेगा. एंड उसके साथ साथ आपको दोनों जो कंपेयर करने को कहा है, फिजिकल्स एंड कल्चरल, वो एलिमेंट यहाँ पे डाला जाता है. एंड देन यूनिट 5, तो यहाँ पे कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स का है. चैप्टर नेम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन डेली वेदर मैप. तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, डेली वेदरिंग मैप ऑफ जनवरी एंड जुलाई मंथ अंडर फॉलोइंग हेड्स. यहाँ पे क्या क्या करना है, सीखना है आपको, प्रेशर कंडीशन, विंड कंडीशन, स्काई कंडीशन. स्काई कंडीशन क्या क्या करना है, क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन के दौरान करना है. यहाँ पे आपका वेदरिंग मैप कुछ इस प्रकार की होती है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. यूनिट 6 जो है, यहाँ पे आपको 2-2 करके 4 मार्क्स से क्या करना है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पोस्टर. पोस्टर रिलेटेड टू एनी ऑन प्रोमिनेंट हैजर्ड और डिजास्टर, क्या क्या करना है, कॉजेज, कंसिक्वेंस, प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट.
with respect of West Bengals. West Bengal की ही करना है. तो यहाँ पे 2-2 marks किया हुआ. एक है presentation देखेगी और उसका जो mainly आप लोग करेंगे उसके basis में marks मिलेगा. And last में क्या है? Unit 7 में laboratory notebook and Viva. Viva आपका जो copy है इसमें 3 marks मिलेगा और 2 marks for Viva. इस प्रकार की आपको एक copy बनवाना है जो बैकग्राउंड में हमने दिखा दिया है. वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसमें आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए.